स्टॉक्स कहाँ कहाँ पर दाम लगाया जाए तो निवाग सर शुरुआत आप ही के साथ पहला स्टॉक क्या चुनोगे आप सो so, सुमित पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स ट्वेंटी परसेंट अपसाइड देख रहा हूँ सो hmm. so, अगर आप मार्केट को जरा देखें तो तीन सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है एक तो uh, प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट जहाँ पे कि हंड्रेड की ग्रोथ हो रही है तो उसमें टाटा मोटर ने जो जे रेंज की जो प्रोडक्ट्स है उसके रिसेंट आंकड़े देखे तो जबरदस्त ग्रोथ दे रहे हैं दूसरा है ईवी के अंदर एक बड़ा थीम है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अभी उसका पे ऑफ टाइम चालू होगा वो दूसरा हो गया थीम और तीसरा जो डोमेस्टिक मार्केट में अपना पीवी सेगमेंट जो है वहाँ पे आप उनकी प्रोडक्ट रेंज देखें राइट फ्रॉम द एंट्री टू द मिड साइज टू द लग्जरी तो पूरी बौछार कर दी है कंपनी ने तो मुझे लगता है कि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पिछले तीन चार पाँच सालों में कंपनी ने किया था जिस तरह का बिजनेस मॉडल में बदलाव किया था उसका फायदा अगले दो तीन साल में मिलेगा मार्जिन जो है वो डेढ़ से दो बेसिस बेसिस बढ़ के आएंगे टाटा मोटर मुझे लगता है कि से 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 कम से कम अपसाइड दे सकता है थिंग्स गो एज पर एक्सपेक्टेशन शायद थोड़ा बड़ा भी अपसाइड देखने को मिले तो डेट कंसर्न है क्या अभी डेट का कंसर्न ज्यादा नहीं है दो साल पहले डेफिनेटली था क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा था और मार्जिन में प्रेशर था अब टॉपलाइन कंट्रोल में है डेट भी कंट्रोल में है और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया है गौरंग सर आप आमतौर पर